रक्षा मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि उनका देश अमेरिका के लगातार विरोध के बावजूद रूस से खरीदी गई मिसाइल रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल की योजना पर काम कर रहा है। रक्षा मंत्री हुलूसी अकार ने बृहस्पतिवार को संसदीय बजट आयोग को बताया कि सेना योजना के अनुसार S-400 मिसाइल प्रणाली को तैनात करने की तैयारी कर रही है। वॉशिंगटन नाटो के सदस्य तुर्की द्वारा रूस की ये विमान रोधी प्रणाली खरीदे जाने के सख्त खिलाफ है और उसने तुर्की को अपने F-35 लड़ाकू विमान को कार्यक्रम से निकाल दिया है। अमेरिका का मानना है कि S-400 प्रणाली रडार से बच निकलने में सक्षम लड़ाकू विमानों के लिए खतरा है और ये नाटो की प्रणालियों के अनुकूल नहीं है। तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलू ने आकार के हवाले से कहा कि तुर्की S-400 को तैनात करने और F-35 लड़ाकू विमानों के मुद्दे पर अमेरिका की चिंता पर बात करने को तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम S-400 प्रणाली का उसी प्रकार उपयोग करेंगे जैसे नाटो के अन्य सदस्य इस गठबंधन में रहते हुए S-300 प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। तुर्की ने 100 लड़ाकू विमानों को खरीदने की योजना बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स।